अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सुहानास चैनल में आप सभी का वेलकम। आज हम बनेंगे एमी टेस्टी सॉफ्ट मक केक्स। मक केक्स बनाने से पहले मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। करेक्ट मेजरमेंट के साथ आज हम बनेंगे मक केक्स, जब ही अपने मक केक्स परफेक्ट बनेंगे, टेस्टी टेस्टी और सॉफ्टी मक केक्स बना लेंगे। मक केक्स बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले एक चाय का मग लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर, मैंने शुगर को ब्लेंड करके रखा है, उस पाउडर को यूज किया। अब ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड करें। मिल्क ऐड करने के बाद 1/4 स्पून पाइनएप्पल एसेंस ऐड करें, आप वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। 1/8 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इन सारी चीजों को फोक से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीन मिनट्स तक इसको कंटिन्यूसली मिक्स कर लेंगे, यानी हमारे बैटर में लम्स ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर रेडी है। अब ऐड करेंगे इसमें थोड़े से मिलान सीड्स, वाटर मिलान सीड्स, कटे हुए ब्लैक किशमिश। इन सारी चीजों को फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। मैंने यहां पर 2 मक केक्स बना रही हूं, इसीलिए मैंने 2 मक्स पे बैटर रेडी करके रखा है। ऊपर से ऐड करेंगे कटे हुए ब्लैक किशमिश, थोड़े से वाटरमेलन सीड्स। अब चलते हैं बेकिंग के साइड। मैंने प्रेशर कुकर पे मक केक्स बना रही हूँ, उसके लिए 5 मिनट से पहले साल्ट को प्री हीट कर लिया है। मक्स को रखें प्रेशर कुकर में, इसके बाद लिड कवर करेंगे। लिड कवर करने से पहले इसका गैस्केट हटा दिया है और सीटी भी हटा दिया है। इसको कवर करें, मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 मिनट तक इसको बेक कर लें, बीच बीच में चेक करते रहे। 30 मिनट के बाद लिड हटा दिया है मैंने। अब देखिए हमारे मक केक्स ऑलमोस्ट बनके रेडी है, कितना अच्छा कलर भी आ गया है। ये अंदर से अच्छे से पके या नहीं एक बार चेक कर लेंगे, उसके लिए एक स्टिक लेंगे, इसी तरीके से अंदर तक रख के हम चेक कर लेंगे। देखिए थोड़ा भी बैटर स्टिक को ना लग रहा, तो इसका मतलब हमारे केक्स परफेक्ट बन के रेडी है। देखिए मक केक्स बनाना कितना आसान है। इसको कंप्लीट हम ठंडा कर लेंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर आए तक इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद इसको सर्व कर लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना पफी लग रहे, एक बार चेक करेंगे हम, ये सॉफ्ट है ना। आप भी जरूर ट्राई करिए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।